तो भक्तों अभी बात आई थी भगवत गीता की, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे जीवन का मतलब कैसे जीना चाहिए वो सारी बातें इस भगवत गीता में लिखी हुई है। हमें इसे पढ़ना चाहिए। हमारे मन में जो सवाल है कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमें करना क्या है, हमारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्य क्या है, सब इसमें लिखा है। और ऐसे अनमोल श्रीमद् भागवत गीता की जयंती, हैप्पी बर्थडे आ रहा है इसका, कब है हैप्पी बर्थडे इनका, हाँ 19 दिसंबर को इसका हैप्पी बर्थडे है। श्रीमद् भगवत गीता का 19 दिसंबर को क्या है, जन्मदिवस जयंती है। तो जिनके पास गीता है, शास्त्र में आया है कि गीता जयंती के दिन हमें श्रीमद् भगवत गीता को लेना चाहिए, और वो पूरा मास जो होता है उस मास को भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, और खुद के लिए ही नहीं लेना चाहिए, खुद लेकर अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने संबंधियों को इसे दान में देना चाहिए। यदि उनके पास भी है तो बहुत सारे लोग हैं, आप किसी को भी दे सकते हो। आपके पास गीता हो सकती है, लेकिन जो प्रभुपाद ने लिखा है वो गीता नहीं होगी, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज से लिखी हुई भगवद गीता नहीं है। ये लोगों को कृष्ण के प्रति जागरूक करना, कृष्ण की भावना जगाने के लिए ये गीता लिखी गई। अनेक लोगों की गीता आपको मार्केट में मिल जाएगी, अनेक लोगों का गीता उपलब्ध है, लेकिन किसी शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा हुआ भगवद गीता बहुत कम है जो हमें मार्केट में मिलेगा। ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखी हुई किताब को यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित बदलाव आता है भक्तों। तो जिनके पास है वो अपने लिए भी लीजिए, अपने लिए भी लीजिए, अपने दोस्तों के लिए भी लीजिए, अपने मित्रों को गिफ्ट कीजिए, लेकिन भगवद गीता 19 तारीख को लीजिए ही लीजिए, जितना मैक्सिमम हो सके आप लीजिए। और आप उस दिन के लिए, उस दिन गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप चाहते हैं कि हम गीता डिस्ट्रीब्यूट ना करें, आप ही कर दीजिए, तो उस दिन के लिए आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, जैसे कि इन माता जी ने दिया है और भी बहुत लोग हैं जो दे रही हैं, तो आप उस दिन के लिए कुछ डोनेशन दे सकते हैं, जिससे मैं या फिर हमारे इस्कॉन के लोग अनेक अनेक जगहों पर आपके नाम से भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ डोनेशन दे सकते हैं, या फिर खुद खरीद कर इसे ले जा सकते हैं, और जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपको रिश्तेदार हैं, उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले कि कोई आपको इसको आपके लिए पढ़े, भगवद्गीता कब पढ़ा जाता है हमारे यहाँ, जब अंतिम होता है ना, खाट पर लेटा हुआ इधर भगवद्गीता पढ़ा है, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इससे पहले कि कोई आपके लिए पढ़े आप पढ़ लो, बेटर है, कोई फायदा नहीं है उससे। इसलिए गीता को पढ़ना चाहिए, और इस दिन को गीता का बांटने का विशेष महत्व है भक्तों। शास्त्रों में आया है कि जो इस दिन को 100 है, सत पुस्तक दानम च गीताय प्राकरोति यः स यति ब्रह्म शरदन पुनरावृति दुर्लभम। भक्तों सबसे बड़ा कष्ट है हमारे जीवन में, सबसे बड़ा कष्ट क्या है, जन्म लेना मृत्यु लेना, सबसे बड़ा कष्ट यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना मरना बीमार होना और बूढ़ा हो जाना सबसे बड़ा कष्ट है आदमी के लिए। जन्म लेना, आप कहोगे कि जन्म लेने से क्या कष्ट है, अच्छा है ना, सब लोग कितने खुश होते हैं, सब लोग बाकी के लोग खुश होते हैं भक्तों, लेकिन जो जन्म लिया है उससे पूछो कितना कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है उस बच्चे को कि वो अपने आदास तक को भूल जाता है जन्म लेने की क्रिया में। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम इस संसार में बंधे हुए हैं, 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं, बार बार मां के गर्भ में आना, जन्म लेना, बार बार मरना, ये जीव का सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा कष्ट है। 9-9 महीना माँ के गर्भ में उल्टा लटक के रहना, मलमूत्र की एक थैली में पड़ा रहना, 9 महीने तक रहना, ये सबसे बड़ा कष्ट है। आप सोचो कितना कष्ट होगा, कोई आपको खाली उल्टा लटका दे तो, और एक छोटे से ड्रम में भर के लटका दे तो कितना कष्ट होगा, और उसमें भी कचड़ा डाल दे तो कितना कष्ट होगा,
तो ऐसे कचरे की थैली में 9 महीने तक बच्चा लटका उल्टा रहता है, और जब उसे पेट के कीड़े काटते हैं तो वह सहम जाता है और बाहर माँ को लगता है कि बेटा उछल रहा है, कूद नहीं रहता है, उछल नहीं रहा होता है, वो उसे कीड़े काट रहा होता है। जब बच्चा इस परिस्थिति में होता है तो वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मुझे इस स्थान से बाहर निकालो, इस कष्ट से छुटकारा दो, मैं बाहर जाके आपका भजन करूंगा, आपकी कीर्तन करूंगा और आपके ही नाम का जाप करूंगा, आप मुझे इस स्थान से बाहर निकालो। और जब बच्चा गर्भ से बाहर होता है, गर्भ में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे पुनर्जन्म याद रहता है और वह उस पुनर्जन्म को याद कर करके कांपता है, रोता है कि इस बार बाहर गया तो इस लाइफ को बेकार नहीं करूँगा, पिछले लाइफ को बेकार कर दिया था, इस लाइफ को बेकार नहीं करना है, इस जिंदगी में भगवान का कीर्तन करूँगा और भगवान की प्राप्त करूँगा। लेकिन जैसे ही वह इस माया रूपी दुनिया में आता है सब भूल जाता है, और फिर तो एक ही शब्द है, क्या? धूम मचा ले, आए हैं धूम मचा ले। भक्तों, में खुद इस बात को नहीं कह रहा हूं, भागवत में वर्णन है, अन्य अन्य और शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में 9वें स्कंद में इसका वर्णन है, आप पढ़ो। उसे सब याद रहता है, लेकिन जब वो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे इतना कष्ट होता है कि वह सब भूल जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। सोचो कितना कष्ट होता होगा उस बालक को। अब वो बाहर आकर हमारे जैसे सोचता है कि अरे ये जिंदगी मिली है मजे करने के लिए, इसे मजे करके खत्म कर दो, बस ऐसे ही चले चले जाना है। साधारण सा उदाहरण है कि आप किसी बोर्ड एग्जाम के लिए 2-3 साल के लिए प्रिपरेशन करते हो, और बोर्ड एग्जाम में कितना समय मिलता है? 2-3 घंटा। अभी एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हो 2 घंटे में, यार एग्जाम का समय मौज मस्ती करके निकाल देंगे, मजे करके निकाल देंगे। यदि आप एग्जाम के समय मजे किए तो वो एग्जाम भी आपके मजे लेंगे, वो आपको फेल कर देगा, आप फेल हो जाएंगे। उसी तरह ये जिंदगी है भक्तों, इस जिंदगी को मौज मस्ती में वेस्ट किए, खत्म किए, तो ये जिंदगी भी हमें मजे में रख देगा, हम फेल हो जाएंगे। कितना कष्ट है, सोचो एक बोर्ड एग्जाम में एक बच्चा फेल होता है, कितना कष्ट होता है उसे, कितना दुख होता है। तो जिंदगी के एग्जाम में कोई फेल हो जाए कितना कष्ट होगा उसे, कोई शक नहीं है कि उसे बहुत कष्ट होगा, कितना खराब लगता है कोई जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाए, फिर से 84 का चक्कर, फिर से 84 लाख योनियों में जाना, कितना कष्टप्रद है। मैं अभी गांव में हूँ तो मैं कल रात को बाहर निकला तो वो शियार वियार होते हैं ना गांव में, कुत्ते वित्ते सब चिल्ला रहे थे, क्यों मालूम है? उसको ठंड लग रही थी, बड़े रो रहे थे, बहुत बड़ी रो रहे थे। हम बाहर निकले, सुनाई पड़ा मुझे, कितना कष्ट है सोचो, बिना कोई वस्त्र पहने ऐसे ही कांकड़ कंकड़ पत्थर में, पानी में कब कूद जाता है उसे ध्यान नहीं, अंधेरी रात है, ठंडी रात में वो बाहर रुको पूरा चिल्ला रहा था। तो तब तो उस दर्द से अच्छा है कि हम इस जन्म में ही कुछ ऐसा करें कि भगवान को प्राप्त कर जाए। जिंदगी का लक्ष्य बना लेते हैं, क्या डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, और इसी पे पूरी जिंदगी पार कर देते हैं। लेकिन भक्तों, ये IAS बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना कैसे है मालूम? आप मान लो आपको ये मंदिर आना है, यहाँ पे आना है, तो आपको गेट को क्रॉस करना पड़ेगा, उस सीढ़ियों को चढ़कर ही मंदिर आना होगा, है ना? वो गेट को क्रॉस करना ही होगा, सीढ़ियों को चढ़ना ही होगा, ठीक है? उसी तरह से जैसे आप ये मंदिर आए तो वो गेट और सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक आपसे क्रॉस हो गई, आप पार कर गए, ठीक? इसी प्रकार से यदि हम भगवान को लक्ष्य बनाते हैं, ये हम इंजीनियर और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सुख के लिए? और कोई दूसरा कारण होता है क्या? सुख के लिए, नाम के लिए, दूसरा कारण और कुछ नहीं होता है कि डॉक्टर बन के मैं समाज सेवा करूँगा? ऐसा कुछ लोग, बहुत कम ही लोग होते हैं, पैसे के लिए करते हैं या फिर नाम के लिए करते हैं। तो यदि हम भगवान को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो जिस तरह से इस मंदिर आने के क्रम में और गेट और सीढ़ी क्रॉस हो गया, उसी तरह भगवान के पास जाने के क्रम में हमें सुख और शांति मिल जाएगी, सुख मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा तो थोड़ी है कि आप वहाँ रोड से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो क्या? सीढ़ी चढ़ना ही है, वैसे ही सुख और शांति मिलेगा, सुख मिलना ही है, धन मिलना ही है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, और यदि इस जीवन में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही होगा जैसे मंजिल के दरवाजे पर जाकर आप लौट जाना पड़े।
कितना खराब लगेगा सोचो। अब मान लो कहीं जाना है आपको, अब देवघर से निकले, यहाँ से ऑटो पकड़े, जसीडी गए, स्टेशन पे गए, ट्रेन भी आ गई लेकिन अब ट्रेन में आपको बैठने नहीं दिया गया, रिटर्न आना पड़ा, कितना खराब लगता है सोचो। तो इसी प्रकार से तो ट्रेन थी वक्त तो इतना खराब लगा, इतना जिंदगी झेल कर, इतना कष्ट झेल कर हम उस दरवाजे पर पहुंच गए, बस उस दरवाजे को खोलना है, हम खोल रहे भाई आराम से बैठे रहे, बस फिर से हमें वही करना है, फिर वही 84 के चक्कर में फंस जाएंगे, फिर से वही मेहनत, वही दुख, वही कष्ट को काटना है। बेहतर यही है कि हम ऑलरेडी बहुत दुख काट चुके हैं, अब और नहीं काटना है, भगवान को प्राप्त करना है। वो जितनी गलतियां हो गई उससे सीख लो, अब फिर गलती करके सीखना ये मूर्खता है, जितनी गलतियां हो गई उससे सीख लेना यही बुद्धिमानी है। इसलिए अब उस कष्ट में नहीं जाना है और भगवान को प्राप्त करना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, उनके नाम का, भगवान के नाम का कीर्तन करना है। कोई भी व्यक्ति सिंपली भगवान का नाम जप करके, उनका कीर्तन करके, और उससे भी सरल उनकी कथा को श्रवण करके भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। मैं कह रहा था गीता जयंती कब है, 19 दिसंबर को हमको इस बार देवघर में मनाना है। हर एक जगह होता है, हर एक वर्ल्ड में आप सर्च करो गीता जयंती, अमेरिका गीता जयंती, इंग्लैंड, हर जगह हो रहा है, खाली हमारे देवघर में छूट रहा है। हमें इस बार गीता जयंती महोत्सव यहाँ पे मनाना है, और क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इस गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों में बांटना है, उनसे जो मिल जाए उस अनुसार से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस दिन, पुराणों में आया है, सत पुस्तक दानम च गीताय प्रकृति, यदि 100 गीता का दान करता है तो सयति ब्रह्म शरदन पुनरावती दुर्लभ, तो वह व्यक्ति फिर 84 के जो लफड़ा है उसमें नहीं फंसता। यदि कोई व्यक्ति इस तिथि को 100 गीता का दान करता है तो उसे फिर से पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होता, 84 के चक्कर में फंसने की आवश्यकता होता। तो आप सबों से निवेदन हो सके कि जितना हो सके उस दिन गीता को लीजिए, गीता का दान कीजिए, खुद लीजिए, पढ़िए और उसे दूसरों को दीजिए। सबसे पहले पढ़ना और फिर दूसरों को देना। कौन से गीता को, तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप को लेना है, एज इट इज, जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो कि शुद्ध भक्त है। हम बाहर से ले लेंगे गीता लेकिन हमें समझ में नहीं आएगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर भक्त हैं भगवान को, परम पूज्य हिज होलीनेस श्रीमद् राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार प्रभुपाद जी की गीता देखी तो उसमें लिखा था एज इट इज, यथारूप, तो हमारे गुरु महाराज को बड़ा गुस्सा लगा, क्या हमारे कृष्ण के बाद इसी व्यक्ति ने समझा क्या गीता को, कि लिख दिया एज इट इज, बहुत गुस्सा है हमारे महाराज, और उसी गुस्सा में एक भगवद गीता को खरीद लिए और जब पढ़ना शुरू किए, जब पढ़े तो वाकई लगा कि वास्तव में गीता को यदि किसी ने समझा है आज तक तो श्री प्रभुपाद जी ने समझा। श्री प्रभुपाद जी ने जो गीता की व्याख्या की है वैसी व्याख्या और किसी ने की है। श्री प्रभुपाद की, गुरु महाराज कहते हैं, और बड़े बड़े आचार्यों ने भी गीता को लिखा है, जैसे श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, बल्ले विद्याभूषण जी ने लिखा है, गांधी जी ने भी लिखी है, विनोबा भावे जी ने भी लिखी है, अरविंद ने लिखा है, लेकिन उनकी गीता पढ़ो आप फंस जाओगे, समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं है, लेकिन आप प्रभुपाद जी की गीता श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हो तो आप सारा क्लियर हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि और जो गीता है वो ब्रह्मावत है, हमारे गुरु महाराज अनेकों गीता पढ़ चुके हैं लेकिन श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ही है जिसमें सब कुछ क्लियर है, वो खुद बोलते हैं इस बात को, और उसी गीता को पढ़कर तो दुनिया में करोड़ों लोगों ने भगवान को समर्पण किया है। आप देखिए YouTube पे सर्च कर विदेशी लोग किस प्रकार से सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज को पढ़कर भगवान को समर्पित कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो भक्तों श्री प्रभुपाद जी ने एक नियम बनाया कि इस गीता का प्रचार करना, और भगवान भी कहते हैं गीता में कि लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ करते हैं, मुझे पूजा करते हैं, मुझे धूप दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन वास्तविकता जानते हो मैं किससे ज़्यादा प्रसन्न हो सकता हूँ, जो मेरे कथा का, जो मेरे कही हुई बात का प्रचार करता है ना, मैं उससे ज़्यादा खुश होता हूँ। इसलिए यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उस दिन गीता लेनी चाहिए, बांटनी चाहिए। इस
इस गीता जयंती को गीता पढ़ना और उसे पूरे महीना मैराथन चलाना। प्रभुपाद जी ने एक शब्द दिया मैराथन, मैराथन मैंने दौड़ होती है ना बहुत लंबी, उसी प्रकार से ये 30 दिन मैराथन चलता है हमारे यहाँ गीता बांटने का, गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का, पूरा बेचते रहते हैं लोग। ज़्यादा से ज़्यादा गीता पढ़ना चाहिए और उसे बांटना चाहिए, जनता में फैलाना भक्तों को चाहिए। को इस दिन को गीता जरूर खरीदें, अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने संबंधियों के लिए, वो चाहे दान से इसे बांटें या अर्थ से इसे दें, लेकिन वे खरीदें इस गीता को, ये उनका कर्तव्य है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं हम पहले ले चुके हैं, पढ़े हैं, लेकिन इससे क्या, अपार जनसंख्या है, आप लोग दूसरों को दान दे दो। घर घर तक पहुंचाना चाहिए इस भगवद गीता को, फैलाना चाहिए भगवद गीता को, क्योंकि भक्ति ये भक्तों यही हमारे जीवन का यूजर मैनुअल है, कैसे हमें हमारा जीवन जीना चाहिए यही हमें सिखाता है। आप पढ़ो आपको खुद पता चलेगा। इस गीता जयंती महीना में या गीता जयंती के दिन खास करके भक्तों का कर्तव्य है कि हम लोग इसको फैलाएं। भक्तों को चाहिए कि वे 10 20 25 गीता को लेकर बांटें। जो इसको खरीदने में असमर्थ हो, ये भगवान की सेवा है कि उन्हें वो दान में दे दें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान की सेवा है, ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते हैं। ये उनके शब्द थे, मेरे शब्द नहीं। भक्तों आप सोचो कि जो गंगा भगवान के चरण से निकलती है, चरण से भी नहीं एक अंगूठे से निकलती है, उसमें कितनी पावर होती है कि आदमी के लाखों लाख पाप को धो डालती है। तो ये भगवद गीता तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली होगी, तो सोचो इसमें कितनी पावर होगी श्रीमद् भगवद गीता की। तो भक्तों ये गीता बहुत पवित्र ग्रंथ है। हमने देखा है गंगा में स्नान करने के बाद बहुत लोग हैं जो शराब नहीं छोड़ते, मांस खाना नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो आप इस पवित्र ग्रंथ को खरीदिए, बांटिए, जितना भी हो सके उस दिन करना ही चाहिए। 19 तारीख को इसका हैप्पी बर्थडे है, हम लोग यहाँ जरूर सेलिब्रेट करेंगे।